हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए, हम लोग वही जो इनविटेशन आया था उस बाय करो का बोलो हाय, हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं छोचक देने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हो गए, हम लोग निकलते हैं, 3 बज चुके हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं, वहाँ पर पूरे ब्लॉग में दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है सारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं इनके घर के पहले, पहले ही उतर गए, तो ये लोग हमें आए लेने आएंगे तब हम जाएंगे, बट ये लोग रेडी हो रहे हैं तो हम लोगों को एक्चुअली में वेट करना पड़ेगा। तो सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग, और ठंड लग रही है सब लोगों को, सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, जेंट्स सारे खड़े हुए हैं सारे, और यहाँ लेडीज़ खड़ी हुई हैं, बातें कर रहे हैं हम लोग आपस में। काम पे काम कर रहा है, मैं भी यो आजा भाई, यहाँ लेडीज परेशान हो रही हैं यार, बहुत देर हो गई ना, सब चलना थोड़ा जाम सा लग रहा है हमारे पास। ये ट्विंस लग रहे हैं दोनों। तो सब लोग बहुत देर हो गई थी, फ़ोन भी कर रहे थे बार बार जल्दी प्लीज़ रेडी हो जाइए, तो हम लोग सब ठंड लग रही थी काफ़ी सब लोगों को, तो सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे जल्दी आए, कब आएंगे कब आएंगे, हम लोग जब देख रहे थे उस साइड ही रेडी हो रहे हैं, तो हम लोगों को लेने आने वाले हैं, हम लोग जाएंगे फिर वहाँ पर। मिश्का हाय हाय बोलो। तो ये हमारी बच्चा पार्टी है, बच्चा पार्टी की ड्रेस मैच हो चुकी थी, येलो येलो येलो, तीनों के ही येलो थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, तीनों क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इन तीनों को एक साथ बैठा खड़ा करके वीडियो बना ली थी। नहीं बोलोगी, ये देखिए सब दोबारा से गाड़ी में बैठ चुके हैं अपनी अपनी। तो फाइनली ये हमें आते हुए नजर आए, तो बड़ी खुशी हुई कि ये लोग आ रहे हैं, थैंक गॉड ये लोग रेडी हो गए आ गए हैं। चौक पूछ रही हैं इन, इसी के ऊपर भाई को खड़ा करके बहन अपने भाई का टीका करती है।
रेडी हैं ये टीका करने के लिए। बीच वाली मेरी नंद लगती है, टीका करने के बाद ही हमारी एंट्री होगी, तो हम लोग टीका करा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है गोले जो दिए जा रहे हैं सब लोगों को, भाइयों को जो हमारे हम लोग गए थे उन लोगों को दे रहे हैं लोग गोले के करके। तो इन्हीं सतियों को हम लोग छुड़ाकर और उसे पूजने जाएंगे, इन्हें हटा लेते हैं। तो चलते हैं कुआं पूजन के लिए हम लोग जल्दी जल्दी, और यहाँ से डांस करते हुए जाएंगे वहाँ तक, कुआं तक, मंदिर तक, वहीं तक ही जाएंगे डांस करते हुए सब लोग। ये देखिए चलें, ये हमारा कुआ है, मेरी शादी की इसी कुएं में पूजी गई। बहुत दूर है जो है ना, हम लोगों को थका दिया। हाँ बताओ क्या हो रहा है, वेट कर रहे हैं। पूछ के ही तो मिली थी ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग हुआ पूछ कर वापस आ चुके हैं, सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं सब लोगों का, सब लोग डांस करने में बिजी हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही थक चुके थे, तो मैं अपनी बेटी को लेके बैठ गई थी, बेचारी बहुत देर से रो रही थी। मेरी जेठानी लगती है, मुझे भी नहीं पता थी ये आ रही है यहाँ पर, तो मुझे यहीं मिली है फंक्शन में। ये हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी से हम ये लोग छोचक ले लें और हम लोग फ्री हो जाएँ। तो सब लोगों को बुला रही थी फ़ोन करके, और यहाँ पर केक कटिंग भी होगी और यहाँ पर और छोचक वगैरह भी लेंगे पहले। लेकिन ले ली खाली प्लेट लेके खड़ी गुनी गुनी हाँ। खाली प्लेट खत्म हो गया सब। यहाँ पर ये लोग माता की मूर्ति को अपने पुराने घर से नए घर में स्थापित करने थे करनी थी, तो ये लोग माता का गाने बजाते हुए जा रहे थे पुराने घर में, और फिर नए घर में लाकर उसे स्थापित कर रहे थे। वहाँ पर पूजा वूजा होगी तो वही जा रहे हैं ये लोग। हाय तो यहाँ पर सब लोगों को बहुत ठंड लग रही थी, यहाँ पर 6 जनवरी को इतनी ठंड थी, देखो सब लोग सूखे हुए बैठे थे, स्वेटर और शॉल
सब लोगों ने पहन रखा था, सब लोग एक दूसरे से पास ही बैठे हुए थे, इतनी ठंड हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी वेट कर रहे थे कि जल्दी से चोचक ले ले, और बहुत ही टाइम हो गया था। हम लोगों ने सोचा था कि ये लोग 5 बजे देंगे, बट इन लोगों ने 8 बजा दिए, तो हम लोग थक गए थे। सबके फेस पे लग रहा था कि सब लोगों का फेस ऐसे हो रहा था। तो गाइज ये सारा सामान वो है जो हम लोग पापा जी के साथ लेकर आए थे दीदी के देने के लिए। ये सब कुछ पापा जी ने बड़ा खुश होकर बड़े एक एक चीज़ जो दीदी के लिए बेस्ट है वो सब कुछ लिया उन्होंने, जो उनके लिए होना चाहिए। पापा जी ने बड़ी ही मेहनत से उन्होंने ये सब चीज़ें एक एक चूज़ करके लेकर आए थे। एक बाप का ही दिल होता है जो अपनी बेटी को देता है, बेटी भी देता है, और देखिए इतना सारा सामान देता है, शादी करता है, फिर उसके बाद छोचक करता है, कितना कुछ करना पड़ता है अपने उसके एक बाप के लिए। ये देखिए एक एक चीज़ चूज़ करके दीदी के बच्चों के लिए सब कुछ लेकर आए थे। ये बच्चों के नाना जी लेकर आए थे। तो ये हैं 5 चांदी के बर्तन, और अलग से खड़ुए कौननी और बच्चे की चेन थी दीदी के बेबी के लिए, और इसमें दीदी का सामान था। कानों के बड़े ही सुंदर सोने के वो थे, एक लौंग अंगूठी और बिछुए पायल, और एक शायद बच्चे का खिलौना रखा हुआ है चांदी का ही। पापा जी बड़े ही चूज़ कर करके बड़े ही मन से लाए थे एक एक चीज़ सुनार से। तो फाइनली छोचक का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग जल्दी जल्दी सबको जिसके भी दो कपड़े लेकर आए हम लोग दे देते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर। खींच लो जीते भैया खींच लो सारे ये तुम दोनों का है। ये नीचे रख दो जीजू, नीचे रख दो भाई साहब, हो जाओ। कोई नहीं, कोई बात नहीं।